चलो कैन एनी वन पुट इन द्वॉट्स एप ग्रुप टाइम्स चलिए सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अगर आप टेस्ट नहीं भी दिए तो भी वीडियो देख लीजिए बंद मत करिएगा कई लोग ये हम हम टेस्ट ही नहीं क्वेश्चन आंसर क्या सुनेगा इस बहाने वॉट विल हैपन आपके आंसर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे एंड सुनेट वापस से रिवाइज हो जाएंगे छोटा सा क्लास आई थिंक इट विल टेक मैक्सिमम वन आवर बट एटलीस्ट लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट मैं दस सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखेगा और अगर ये वीडियो पब्लिक बाय चांस होती है तो यूजुअली क्वेश्चन पेपर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में uh, दिए हुए होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगले महीने के तीन तारीख को एक रिवीजन है जिसके बारे में आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कैलकाटा में वो रिविजन जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स जो यहां नहीं भी पढ़ते हैं दे कैन ऑल्सो डू उन्हीं को बस गूगल फॉर्म भरना है आप लोग को नहीं भरना है वो गूगल फॉर्म उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जो मैंने आपको आज ग्रुप में भी सर्कुलेट किया था एंड फॉर सर्कुलेटिंग दिस मैसेज आई ऑल्सो रिक्वायर द हेल्प ऑफ सेंट कॉलेज के जो रूम्स हैं उनके अगर मोबाइल के नंबर्स के आप स्क्रीन शॉट्स मुझे भेज दीजिए आई गिव इट टू माई टीम दे विल सेंड द बल्क एस एम एस टू ऑल द रूम नंबर्स तो अलग अलग रूम के जो लोग हों मुझे आप अलग से अपना रूम का वो जो फोन नंबर्स होता होगा ना क्या क्या फोन नंबर्स ग्रुप में है ऐसे ही कुछ होता है ना शायद तो जस्ट सर्कुलेट मी दैट सो दैट वी कैन गेट इट सर्कुलेटेड इन नेक्स्ट टू थ्री डेज बिफोर द थर्ड ऑफ नेक्स्ट मंथ कई लोग ये समझ नहीं पा रहे क्या होने वाला है तीन तारीख को आप छोड़ दीजिए <laughs> दस दिन से सबको पता है बिकॉज सम सम पीपल ज्वाइन द क्लास रैंडमली आज एक क्लास किया पांच क्लास नहीं किया चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस मेरे सामने है क्वेश्चन स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एल एल पी एंड रिलेटिंग टू देंट लेटर आज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा अगर मैं एक स्टूडेंट होता मैं सच बता रहा हूं मेरे तीन चार मार्क्स कई बार खो जाते थे मैं इसको कैसे पढ़ता अच्छा अच्छा मिनिमम पार्टनर्स वाला बात बोला गया तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर किसी ने अगर ध्यान से देखा होगा हाउ यू शुड रीड अ क्वेश्चन पेपर मिनिमम पार्टनर्स देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड थर्ड वन कंसेंट लेटर ज्यादातर लोगों को पहला दो पार्ट आता है लोग क्वेश्चन इन सच ए मैनर की कि मैं दोनों आस्पेक्ट को टारगेट कर सकू तो आइए मैं पहले सही आंसर दिखलाता हूं मैंने पहले क्वेश्चन के तीन भाग को आपको यहां दिखाने की कोशिश की लेट मी ट्राई ये जस्ट अ सेकेंड मेरे नोट्स थोड़े अलग हो सकते हैं आपकी फॉर्मेट अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यस अकॉर्डिंग टू एलएलपी एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स चेक करना बहुत लोग इंडिविजुअल्स वर्ड मिस कर गए हैं सर आपको पता कैसे चलता है हम लोग का ये गलती है एक्सपर्ट इन टू सब्जेक्ट्स लॉ एंड ह्यूमन साइकोलॉजी फेस रीडिंग एटसेट्रा तो इंडिविजुअल वर्ड मिसिंग है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं अगर आपको याद हो हु मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल लीगल में मेरे साथ है अगर घर पे भी देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है देखना इंपॉर्टेंट है क्लास को यश हर्ष विदय सोनी संयम सेठिया एंड मेनी अदर्स जिनका भी नाम मैं अगर भूल रहा हूं अभी इंडिविजुअल्स एट लीस्ट वन विल बी रेसिडेंट इन इंडिया कई लोग ये भूल गए रेसिडेंट इन इंडिया

इन्वॉल्व नहीं करना है एंड वन मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया यस और नो फिर आगे इन्होंने क्या किया है रेसिडेंट इन इंडिया को आपको डिफाइन करना चाहिए था कि रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि पिछले साल आप 120 डेज रहे हो स्टेड इन इंडिया स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट वन हंड्रेड डेज और मोर पुराने सोल्यूशन कई लोग बोलते हैं ना हम पुराना सारा सोल्यूशन पढ़ लिया है. उन लोग वन डेज पढ़ के आते हैं पर यहां पर क्या पढ़ना है ग्रेटर टू वन एंड ट्वेंटी होते हैं अगर मैं जो लोग स्कूल में स्पीड कम थी उनका 18 मार्क्स लॉ के पेपर में छूटेगा लिख लेना आज पर इसको आप रिवर्स कर सकते हो 18 भी नहीं छूटेगा कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आपके टाइम कम है कोई भी आंसर को ज्यादा एक्सपैंड मत करो लीविंग द बिगेस्ट क्राइम और फिर बाहर आके बोलना सारा आता था इसको पूछिए हम इसको सब सुनाया कल रात को आंसर वहां तुमसे गवाही लेने के जाएगा घर पर एटलीस्ट नाइनटी टू मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए क्योंकि अगर एवरेज मार्किंग होता है फोर्टी सिक्स दे देता है तो भी तो आप पास हैं और आपको कोई बोल दिया जो करो अच्छे से करो सेवेंटी फाइव का अच्छे से करो उसका आधा कर लो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जमाना यह है कि एटलीस्ट नाइन्टी टू अटेम्प्ट होना चाहिए पर यह नहीं बोल रहे कि उल्टा लिख के आओ जब जब आप लिखो ना पेपर लंबा होता है ऑलवेज टेल माई सन ऑल्सो जब पेपर लंबा होता है, है शुरू से क्या करना चाहिए पता है लिखने के समय बोल बोल के लिखो एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी यानी उसी समय रिविजन भी हो रहा है वरना नॉर्मली क्या होता है लिखने के समय अपना एक अलग लेवल पे रहते हैं

बट वेन ऑल नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट अगर सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पार्टनर्स हैं तो नॉमिनी इंडिविजुअल होंगे दे विल बी अपॉइंटेड एस डी पी तो ये छोड़ने से चलेगा अगर आपके टाइम कम हो मेरे आंसर में भी चलेगा आराम से बोल रहा हूं पर मैं बोल रहा हूं ये ना अलग अपने आप में एक अलग दो मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है वॉट विल बी योर आंसर इफ ऑल देर नो इंडिविजुअल पार्टनर्स इन एल एल पी ओनली बॉडी कॉर्पोरेट्स आर डी पी तब तुम्हारा क्वेश्चन में ट्विस्ट समझ में आ गया तो नॉमिनी नियुक्त करके हम काम चला लेंगे तो ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको आंसर से ये हटाने से चलेगा इतने बड़े हो गए हो प्रेसी राइटिंग सीख गए हो तो ये नहीं लिखने से भी चलेगा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंसेंट लेटर की बातें हो रही थी ये देखो ये नया अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा था जो हम लोग अमेंडमेंट क्लास में किए थे स्टार्ट रीडिंग मेरे साथ साथ कई लोग के नोट्स में ही है अभी जो मैंने नए नोट्स बनाए हैं कमिंग वीक में जो बुक्स डिस्पैच होगा उसमें है प्रायर कंसेंट आपको देना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब मैनर

डीपी पी मस्ट गिव हिज प्रायर कंसेंट टू एक्ट इसलिए एक चीज देख रहे हो ये सब इससे परफेक्शनिस्ट बनता है स्टूडेंट एंड मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं अब एक्चुअली कर रहा हूं किसी ने किसी ने हैव नॉट सीन एनी अदर कोचिंग सेंटर्स यूट्यूब पे तो सब अपनी अपनी पेशकश डालते हैं ना लोग इस तरह पढ़ ही नहीं रहे हैं

शॉर्ट बनाना सीखो एल एल पी विल फाइल विध आरोन कंसेंट ऑफ डीपी पी विन थर्टी डेज लिखो एल एल पी वाइल कंसेंट ऑफ डीपी पी विन थर्टी डेज ऑफ अपॉइंटमेंट एल एल पी विल फाइल विदेंट ऑफ डी पी विद इन थर्टी डेज ऑफ अपॉइंटमेंट तो अमेंडमेंट से भी नए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं

बाद में घर में एनालाइज करना मैं मार्क्स पीडीएफ भी दे दूंगा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट एक्चुअली नेग्लिजिबल है सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट ये मिला के चार है मेजोरिटी लोग क्या किए हैं तुम लोग बताओ यही हुआ है क्या मिनिमम पार्टनर्स एंड डीपी का बस लिख दिया कंसेंट लेटर वाले पर हाईलाइट नहीं किया होगा तो मेक द हैबिट इन फाइनल इंटर ब्रेक द क्वेश्चन इन टू थ्री फोर पार्ट्स क्वेश्चन में कितने सब पार्ट्स हैं आइए एक आंसर देखते हैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी स्टूडेंट्स जिसने भी मुझे भेजा है एक रैंडमली देखते हैं देखो इस आंसर में मैंने बोला ना मैं भविष्यवाणी भी करता हूँ इस आंसर में कंसेंट लेटर वाला पार्ट है ही नहीं अगर आप इस आंसर को देखोगे मैं बाद में पी भी दूंगा हैंड राइटिंग थोड़ी सी अलग है और ये बहुत हल्का पी आया मेरे पास देखो आंसर में है ही नहीं ऊपर से जिस तरीके से मैं लिखने बोल रहा हूँ वो आंसर में भी मिसिंग है तो अगर ऐसा ही अगर आंसर हुआ लिव नहीं है लिव वर्ड यूज नहीं करोगे स्टे इन इंडिया करोगे लिव इज वेरी वैसा लग रहा है जैसे इग्लू में कौन रहता है हाँ स्टेड वर्ड यूज हुआ साइडिंग स्टेड इन इंडिया फॉर वन ऑफ टू नहीं 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 चलेगा टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स वर्ड मिसिंग है मैंने इसका आंसर पढ़ा ही नहीं था पहले अभी पढ़ा पर मैंने बता दिया लोग यही गलती किए होंगे तो दीज आर स्मॉल इनपुट्स वेर एवरेज स्टूडेंट कैन शाइन एंड गुड स्टूडेंट कैन बी गेट परफेक्ट स्कोर लॉ में मिलता है क्या सर तक गया मेरे स्टूडेंट का आप देखिए कौन आगे और आगे गाड़ी को ले जाता है तो इसमें तो जो आंसर है इसमें मिलेगा वन आउट ऑफ फोर ये जो आंसर है दिस इज वन आउट ऑफ फोर कैटेगरी ऑफ आंसर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन if a llp is registered with a name which is identical with the name of an existing llp what is the remedy to the existing llp yani jo pehle bana tha usko importance milta aapne yaad hai na kuch yaad aa raha hai अगर मैं हिंदी बात बोलू सर Central Government directions देता है जब identical हो जाता है और directions का पालन तीन महीने के अंदर करना चाहिए सुना था What will be your answer? Question कॉर एक पार्ट इट आइडेंटिकल विथ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऐसा ही कुछ बात था और इसमें एक पॉइंट था कि जो ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है कितने टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आइए पहले हम मिलकर प्रॉपर आंसर देख लेते हैं आप कोई भी पीडीएफ को फॉलो करिएगा नई किताबों में अलग मैंने ढंग से अरेंज किया है आई थिंक दिस इज द वन सेक्शन सेवनटीन मिला क्या वेन द नेम इज आइडेंटिकल और टू नियरली सेक्शन सत्रह

टू नियरली रिजेम्बल्स टू एनी एल एल पी और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लोग ये मिस है। बताएं कौन सा आपको पता कैसे चलता हूं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एल एल पी किया है तुम लोग ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ने आके कर दिया था यहां पर यहां पर क्या लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एल एल पी चेक करो अपने आंसर में और जिन लोग मेरे संग याद कर रहे हैं आंसर नहीं लिखे हैं उनको भी याद हो रहा है इफ द नेम इज आइडेंटिकल विथ सुन रहा है यश घर से ओके okay, अर्चना सो व्हेन द नेम इज आइडेंटिकल विथ और टू नियरली रिजेंबल्स टू एनी एलएलपी एल और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ सच एल और द ओनर सी मे डायरेक्ट सच एल टू चेंज इट्स नेम विद इन हाउ मेनी मंथस थ्री मंथस विद इन थ्री मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिरेक्शन डिड यू गैट दर्द्स हा बोलो पक्का अब देखो अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ओनर ऑफ द रजिस्टर ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए अंदर अप्लाई कर सकता है अचानक को सात साल बाद जाके बोलो हमारा ट्रेडमार्क से बहुत मैच कर रहा नहीं एन एप्लीकेशन ऑफ द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंबल विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन कार्पोरेशन बोलो हायाना And इसमें एक पॉइंट और आ सकता है अगर सीजी के डायरेक्शंस आते हैं कि नाम चेंज करो एंड उस डायरेक्शंस को पालन नहीं करते हैं। तब सीजी CG... <laughs> रुको रुको पहले तो लिखा है वेयर एल एल पी चेंजेस इज नेम और न्यू नेम इट शेल विद इन फिफ्टीन डेज गिव इनफॉर्म टू आरओसी अलोंग विद विदी ऑर्डर यानी कि इस केस में जब नाम चेंज होता है रेक्टिफिकेशन के केस में

लास्ट थर्सडे को हुआ था एक हफ्ता में भूल गए चेक करो ये आंसर्स में अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं लिखने से भी चलता क्योंकि यहां पर पूछ रहा था वट इज द रिमेडी टू एग्जिस्टिंग कंपनी एंड वट विल बी और आंसर यहां तक ही पूछा पर अगर हम क्वेश्चन का जैसे कोविड के वेरियंट्स आते हैं ना वैसे अगर क्वेश्चन का एक वेरियंट करता वट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इफ द दीजी डिरेक्शन आर नॉट कंप्लाइड विद तो सी जी खुद इसमें तो शो ऑफ करना पड़ेगा सी जीज डिरेक्शन शुड है थ्री इयर्स नहीं है थ्री मंथ्स है so three years भी तो भी था, three years था कि owner of registered trademark अगर दुहाई देना चाहता है, कंप्लेन करना चाहता है तो उसके पास थ्री था पर हमारे पास कितना है? तो ट्रेडमार्क आंसर क्लियर है आंसर क्या होने वाला है कितने साल के अंदर तीन साल के अंदर चेंज करना चाहिए था मंथ ah, के अंदर सॉरी एंड 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 थ्री अंदर हमें करना चाहिए वरना CG Itself a lot, a lot new name check कर लो. मैं दस सेकेंड वेट कर रहा हूँ और जब घर में लोग लेट कर रहे हो ना pause write the things and then move ahead अब इसमें इतना कुछ लिखने का जैसे इस आंसर में लिखने का दरकार नहीं था सीजी वाला बात हम एक नया वेरिएंट क्वेश्चन भी करा दिया हो सकता हम जो अपना लास्ट टेस्ट देगा उसमें उस क्वेश्चन को डाल देगा अंडरस्टूड कई लोग पूछते हैं सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दीजिए ना तो हिट्स दे रहा हूँ हिंट्स दे रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ मैंने जो सात आठ टेस्ट लिए ना मेल हो गया क्या एल भी डाला हुआ था क्या उसमें ओके okay. तो उन सातों क्वेश्चंस में आप देखोगे हर में दस दस है मतलब वो हर चैप्टर के बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं पहले उनको कर लो जो लोग शॉर्टकट में पास होना चाहते हैं एंड देन डू द रिवीजन क्लासेस रिवीजन क्लासेस दो टाइप के यूट्यूब पे अपलोडेड हैं ध्यान से सुनिए एक जो दो तीन महीना पहले दूसरे बैच का हुआ था वो भी सही है उसमें मैंने आ, चार्ट बुक से नहीं पढ़ाया था और अब जो तीन तारीख को होने वाला है उसमें हो सकता आप चार्ट बुक वाला देखोगे। करके, आप पढ़ रहे पॉज तो को अनपॉज कर लो वहां सुन लो कंपनी के फिगर्स अप कैपिटल और टर्न ओवर फिगर्स चेंज होते रहते हैं जब तुम दे रहे थे तब पुराना फिगर्स लागू था जब 2023 वाले 24 वाले बच्चे दे रहे थे तो नया फिगर्स लागू था

और जब अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स वो स्टैटिक होते हैं अगर कोई का क्लियर नहीं हो अगले बार भी सेम रहता नाइनटी नाइन परसेंट वन परसेंट चेंज आएगा और मैथ्स तो जब से दुनिया में मैथ्स बना था तब से सेम है। पहले भी आपको नहीं आता था अब आपको शायद आता है आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ एल एल पी फॉर द एक्ट ऑफ अ पार्टनर ये कौन सा सेक्शन है पहले अगर आपको याद हो ये तो हम लोग पीएचडी पिछले दिन भी किए थे याद है यश का आंसर दिखा के इसके लिए मैं वापस आपको वो वाला आंसर दिखाता हूं अगर मुझे दिख जाएगा यही है ना ये वाला है ना हाँ यही तो हां ट्वेंटी सेवन एंड यस यही है ना हम्म डिस्कस द लाइबिलिटीज फुल पेज करेगा रूपल एक बार डिस्कस द लाइबिलिटीज ऑफ एल एल पी फॉर द एक्ट ऑफ अ पार्टनर

लाइब्रेटीज ऑफ एल एल पी मस्ट बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एल एल पी ये सबको इजी लगा लाइब्रेटीज ऑफ एल एल पी पूछा था मैंने अब एक सिंपल चीज मेरे संग संग याद कर लेंगे एल एल पी विल बी बाउंड ओनली फॉर द एक्ट दैट एल एल पी हेज ऑथोराइज इट्स पार्टनर्स टू डू यानी कि वो अनऑथोराइज एक्ट के लिए लाइबल नहीं है ओ एल एल पी विल नॉट बी बाउंड

नो नॉलेज पर्सन इज अ पार्टनर ऐसा ही है तुम्हारा भी चेक कर लो तो ये एक हेल्पलाइन था वापस से हम लोग मिलकर एल एल पी पढ़ लिया वरना सोचो आज दोपहर में तुम एल एल पी एक्ट पढ़ रहा होता क्या खोलता ही नहीं और कई लोग तो अभी भी नहीं खुलेंगे इन लोग एग्जाम के डेढ़ दिन पहले को मेरे को गंदे गंदे मैसेज करेंगे कैन आई लीव एल एल पी इंडियन पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर हम पूछेगा क्या करने जा रहे एग्जाम में कंपनी लॉ वेरी गुड वेरी गुड उनको फुल मार्क्स मिलेगा कंपनी लॉ में और उनका वही मार्क्स रह जाएगा फुल पेपर पे ओके सो डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग ये छोड़ दे वो छोड़ दे आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सन की मैं आपको बोलूड़ी हटा दू याद हुआ वापस मेरे साथ लेर्स्ट मेरे साथ याद कर लो एल एल पी दाइबिलिटीज ऑफ एल एल पी विल बी बेट आउट ऑफ दर्टीपी वन मार्क्स का पॉइंट है वो एल एल पी विल बी लाइबल ओनली फॉर द एक्स ऑथोराइज

हाँ क्लब भी किया जा सकता है अच्छा एक एक दिखाओ क्लब मत करना रीज़न क्यों बता रहे ना हूँ सुनो अच्छा देखो मेरे सामने एक आंसर आया जो राइट है पर वहां पे ना पॉइंट फॉर्म जितना दिखाओगे ना क्योंकि रैंडमली चेकिंग करता है और कई बार डेलीगेट कर देते हैं कोई घर के बच्चे को चेक करने सल्यूशन देकर उसको सल्यूशन देकर बैठाते हैं मेरे खुद के स्टूडेंट जो मेरे से दो हज़ार में पास हुए थे दे चेक पेपर्स तो सोल्यूशन सारा उन लोग थोड़ी करते हैं आपको क्या लगता है घर में कोई और पढ़ा लिखा होता है बीकॉम पास होता है उसको तो सोल्यूशन दे देते हैं वो अपने मन से नहीं चेक कर रहा है मैच कर लेना तो तो मैच करने के लिए वो क्या खोजेगा रोमन वन रोमन टू रोमन थ्री रोमन फोर तुम्हारा सारे रोमन है पर वो अलग लाइन में खड़े हुए मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में तो जस्ट उनके सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्विलेटर को ताकि तकलीफ नहीं हो उसके घर के बच्चे को चेक करने में सो फॉर हिम और हर रीडिजाइन योर आंसर ट्राई टू ब्रेक आंसर इन टू पॉइंट फॉर्म चेक करने में इजी रहता है अब एक गंदा एक गंदा एडवाइस सुनो अगर आपको पता आप रबिश लिख रहे हैं पॉइंट फॉर्म में मत लिखना वो पढ़ लेगा वो पैराग्राफ देख के क्या करेगा चार में डेढ़ दे देगा पढ़ लेता तो कितना देता जीरो विच इज बेटर वन एंड हाफ और जीरो नो देंडराइटिंग बैड इनिजिबल सो दैट द पर्सन के नॉट रीड एंड वेन यू नो शो ऑफ रोमन वन रोमन टू रोमन थ्री ंडरस्टोड याद रखिएगा बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक है मेरे पास चार्ट वाले क्लास में आइए और कुछ अंदर की बात बताऊंगा लुक द लाइबिलिटी ऑफ एल एल पी एंड पार्टनर लाइबिलिटी तो लिमिटेड होता है लिखना होगा यूजली द लाइबिलिटी ऑफ एल एल पी इज लिमिटेड बट याद आ गया जब फ्रॉड करता है एल एल पी और उसका कोई पार्टनर तब लाइबिलिटी और उस पार्टनर के ऊपर फाइन एंड इम्रिजेंटमेंट लगता है ओनली फॉर फ्रॉडस्टर पार्टनर सारे पार्टनर्स नहीं धर जाएंगे सर एक पार्टनर कुछ गलती करता है तो बाकी पार्टनर्स भी तो लायबल होते तो हैं वो इंडियन पार्टनरशिप में होता था यहां म्यूचुअल एजेंसी का फंडा तो आइए थोड़ा लिखने का तरीका देखते हैं ऑल ऑफ अस टुगेदर पहले उस दिन ही लास्ट थर्सडे लिखवाया था फिर से करवा देता हूं लुक एट द आंसर फुल पेज करो डीके सॉरी रूपल जी Start observing, reading everyone. Only the LLP and the fraudulent partner is liable. Their liability is unlimited for the debts and liabilities arising due to such fraud. easy language. Penalty on the fraudulent partner. फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट और अब आजकल इम्प्रिजनमेंट अप टू होता है ये इंस्टीट्यूट की बुक में भी आ गया है तो अब ये लिख सकते हो टू ईयर मत लिखना नहीं सर हम स्कैनर uh, का सारा पी डी एफ बना के ना एक एक पढ़े थे यही होता है बाकी सब्जेक्ट में करिएगा माई नेवर डू स्कैनर्स लॉ टैक्स ऑडिट ये तीन चार सब्जेक्ट्स इंटर फाइनल में कभी भी स्कैनर मत देखना आंसर्स बहुत हॉरिबल होते हैं एलएलपीज एंड डीपी विल आल्सो कंपनसेट हु हैव पी द लॉस ये सब भूला होगा लिखा है कंपनसेट वाला पॉइंट अच्छा एक चीज और अभी सामने सामने बच्चे बैठे अंडरलाइन करना भी शुरू कर दो तो, थोड़ा थोड़ा कंपनसेट को कहां है कंपनसेट नहीं कंपनसेट नहीं है हाँ कंपनसेट ऐड करो नहीं कंपनसेट तो डिसाइड करेगा कोर्ट वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पर लिखो 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 सब कोई एलएलपी एंड फ्रॉडुलेंट डीपी अच्छा एग्जाम में डीपी नहीं लिख सकते हो तुम हां मैं मैं लिख सकता हूं अंडरलाइन करो तुम्हारा कंपनसेट लिखा हुआ भी गायब हो जाएगा वहां बताया ना अब से क्या करना है लेआउट एक बार लेआउट करो वो हम चार्ट वाले क्लास में सिखाएगा आपको तुम बहुत अच्छा लिख रहा है आठ आठ लाइन वहां पढ़ने वाला है कोई तुमको उसको पढ़वाना होगा कंपनसेट आई वॉज वेरी गुड इन पेपर प्रेजेंटेशन वैन आई वॉज स्टूडेंट आई वॉज रियली वेरी गुड हम कंपनसेट में भी पता उसको दिखाने के लिए सूरदास मतलब समझते जिसको दिखता नहीं हम उसको दिखाने के लिए पता क्या करेंगे कंपनसेट अचानक ब्लॉक लेटर्स में लिख देंगे और वो भी दूसरे ब्लू कलर से ब्लू तो सपोज ब्लैक अलाउड है ना

प्रिस्क्राइब फाइन लिख देना मेरे को तो याद नहीं रहता भाई तुम लोग अब स्टूडेंट हो पढ़ो तड़पो एंड लास्ट लाइन देखो कंपनसेट इज वन ऑफ द पॉइंट बहुत लोग मिस किया है क्या चेक करो अंडरलाइन करने का आदत डाल लो आज का की इनपुट्स छोटा छोटा इनपुट हम सच बता रहे विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल क्लास ट्वेल्व में आपका आया होगा एट्टी नाइन परसेंट सपोज और अब आपका आएगा देखोगे टॉपर्स में घुस गए और पहले के नाइनटी सेवन नाइन्टी एट वे भी गायब हो जाते हैं बहुतों को देखा है ये क्या होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पढ़ाई हर दो दो साल में आपका एक नया अकाउंट खुलता है लोग अपना टेन का मार्क्स लेकर आगे बढ़ते जा रहा था झंडा लेके मैं टेन का टॉपर था देखा ट्वेल्व में झंडा उड़ गया डंडी हाथ में रह गया अब कई लोग ट्वेल्व वाला अपना वो झंडा उड़ गया ऑलरेडी अब डंडी लेके चलते आ रहा हम 12, 10, 12 में अच्छा किया था टेन का टॉपर था और सी ए सी एस में पता चलेगा हाथ में कुछ नहीं रहा सो so, अब और आप शायद एटी फाइव परसेंट वाले होंगे 86 वाले होंगे होंगे बट यू कैन बी बेटर देन पॉइंट दैट जो भी अब जिनका 97, 99 आया भावुक मत इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स चलिए राजगुप्ता से शो ऑफ करना पड़ेगा यानी कोई पार्टनर ही फ्रॉड कर लिया तो एल एल पी क्यों धरा जाएगा मेरे नॉलेज में नहीं था इसको अगर कोई बोले ना हम एल एल पी छोड़ देगा क्यों छोड़ेगा ये बारह क्वेश्चन करने में तुमको क्या हो रहा है बेस्ट काम इस, मेरे इस वीडियो को 1.5x फाइव पर सुन लो क्यों छोड़ना होशियार समझता है नाजन तो हम करते आए अंडू तो हम हर दिन घर में करते हैं फ्रॉड तो हम कल उसके साथ किए थे जब आंसर लिखना होता ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बचपन में सीखे थे तब है ना उसमें दांत हिल जाता है ढंग से नहीं लिखने से ये सब क्या पता है मुझे कोई पूछे सेकंड में पार्टनरशिप तो टफ है, टफ है। Sir, क्या बोल रहे हैं इतना हम है। बहुत पीएसआर एस का सम बना लेता है पार्टनरशिप के आंसर्स में बहुत मेहनत था अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने पार्टनरशिप में भी किया था कई लोगों को पता ही नहीं होगा आज देखें इस वीडियो को देखो देखो हाँ और बाद में जो पेरेंट्स आएंगे ना रिजल्ट्स के बाद हम लोग आपका वो बैकग्राउंड हम दिखा देगा कितना क्लास कितना तारीख को देखा था पता चलेगा शायद एग्जाम की एक रात पहले देख लिया पूरा चालीस आवर्स का क्लास फास्ट करके टू एक्स की स्पीड पे फिर भी नहीं हुआ होगा मैराथन देखने से भी सिर्फ नहीं होता मैराथन में आउटलाइन चेक करेंगे ये जो इनपुट्स इंटरनली डिस्कस हो रहा है दिस इज नॉट अवेलेबल ना चलिए लंबा सांस लीजिए तो आई होप दिस इज क्लियर लाइब्रेरी कैन बी अनलिमिटेड बहुत अच्छे तरीके से एक राइटिंग पैटर्न कंपनसेट सबका मिस हो रहा था यह भी हम लोगों ने चेक कर लिया क्वेश्चन फाइव चलो बताओ ये तो इजी है विद इन वॉट टाइम दॉक्यूमेंट कैन बी सबेड एनुअली बाई एल एल पी एक आइटम क्या है एनुअल रिटर्न और एक क्या भैया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सोलवेंसी और सेकेंड पार्ट भी पहले पढ़ लेते हैं एक्स एन एसोसिएट्स एल एल पी वेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस

कहां पर है यही है ना एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर थर्टीएथ में एवरी ईयर ये है क्या इसमें फॉर्म नंबर मिसिंग है फॉर्म नंबर क्या है इन ई फॉर्म नंबर याद नहीं हो तो भैया वहां पे ज्यादा अपना शो ऑफ नहीं करना प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख दो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी ऑन और बिफोर थर्टीएथ अक्टूबर एवरी ईयर ई फॉर्म एट नंबर याद नहीं हो तो टेंशन में नहीं आना है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देता हूं अभी आज के दिन ओवर फोर्टी ट्वेंटी क्वालिफाइड सी ए करेगा ये भी बताओगे सीए इन प्रैक्टिस जो सी प्रैक्टिस में होता है जॉब वाला सीए नहीं करेगा सर हम भूल जाता है टर्नओवर 25 लाख लिख के आ गया तो एक टेक्निक सिखाए थे टर्नओवर हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करो टर्न के लिए टर्न किसके साथ एसोसिएट करोगे ओके okay. एक आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क बोला था इफ यू हैव क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप मी ये एक बेसिक क्वेश्चन था पर इसको रीड करना बचा हुआ था तो प्लीज पढ़िएगा ये पूरे सिलेबस में पढ़ने के बाद जो जो हम लोग पढ़े वही सब आया बट पढ़ना चाहिए कभी इजी पेपर आएगा ना फाइव मार्क्स का यही पूछ लेगा आउट कारिटवीन एल एल पी एंड कंपनी तब बोलोगे हम ये पढ़ना छोड़ दिया था आप बोले थे इंपॉर्टेंट नहीं है यू हैव टू डू कोई इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट बोल के नहीं होता सिर्फ चार्ट बुक करेंगे हो जाएगा नहीं चार्ट बुक इज एन आइसिंग ऑन द केक केक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बट आइसिंग भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि केक सुंदर लगे पर सिर्फ चार्ट बुक करने से नहीं होगा क्लास में जो जो पढ़ाया गया था सब पढ़ना है चार्ट बुक पता है बेसिकली एक बात बताऊं अंदर की बात चार्ट बुक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए है। तुम लोग सब अच्छे हो तभी तो यहां बैठे हो दोपहर में बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ और तुम लोग यहां पे हो कि चार्ट बुक पता और तुम लोग भी जो लोग घर से कभी भी क्लास करो सब अच्छे हो तो चार्ट बुक क्या है चार्ट बुक इज बेसिकली अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं मेरा रिविजन करने में टाइम दस घंटा लग रहा है और चार्ट बुक नहीं मिला होता तो मेरा नाइन्टी वन आता अब चार्ट बुक मिलने के कारण मेरा नाइन्टी फाइव आएगा रिविजन करने में मेरे को फिफ्टी परसेंट टाइम कम लगेगा वो फिफ्टी परसेंट टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट्स में दे पाएगा मेरा वहां का स्कोर भी ऊपर उठेगा और हम रैंक ला पाएगा हिडन एडवांटेज चार्ट बुक का बहुत सारा है कई लोग है ना सी फाइनल में लॉ का ट्यूशन नहीं लेते हैं तो एक फ्रेंड पूछा है तुम लॉ का ट्यूशन ले रहा है वो बोला या आई वॉन्ट टू परफॉर्म वेल इन टैक्स

वो सारे पेपर्स में यही सारे इनपुट्स और यही मैनेजमेंट स्किल्स और यही राइटिंग स्किल्स काम आने वाले हैं सो दैट इज वाई लॉन्ग टर्म वी हैव डन दैट ओके लंबा सांस हां कि अजा आपकी एनुअल टर्न इतने के ऊपर होती है नहीं 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 इस आंसर में नहीं लिख मैं एक वेरिएंट क्वेश्चन करवा दिया मेरा आदत है

जो मैंने रीडिंग करने बोला था सिंपल ही था वैसे आपने देखा होगा टू अनादर स्टेट एंड मैंने ये भी बोला था इसको है ना बुक खोल के कर लो मैनेज कर लो पर कर लो हाथ सेट होता है तुमको नहीं लग रहा आ किस फायदा ही हुआ है वो कोई बोल दे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ही होगा मेरे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर फालतू डिस्कशन नहीं हो रहा है आई एम टीचिंग यू वॉट शुड बी रिटर्न क्या मिसिंग है तो आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेशल कोर्स स्मॉल एल अब बार बार क्वेश्चन शीट में नहीं आएंगे एक सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी मैंने एक आरटीपी से एक आपको एक अंश दिखाया था आइए सेंट्रल गवर्नमेंट में या आंसर मैच करो इन कंसल्टेशन विद एन एफ आर ए ये शायद अपने मिस किए रूपल चेक करना तो शायद हम आइडेंटिफाई नहीं करवाया था एक पैराग्राफ है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डाला है क्या हम हां एन एफ आर ए लिख देना अगर याद रहे प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग टू सर्टन क्लासेज ऑफ एल एल पी ये लोग भूल गए सारे एल एल पी के नहीं है फॉर सर्टन एल एल पी जो रूल्स में लिस्ट आएगा लैंग्वेज चेक करो पॉज कर लो जो लोग घर से कर रहे हैं बाद में कर लेना अभी मेरे संग संग रहो सीजी मेन कंसल्टेशन विद एनएफआरए प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एलएलपीज सर्टेन एलएलपीज लोग मिस किए हैं मिस किया क्या कुणाल ऑल एलएलपीज लिख दिया होगा सर्टेन एलएलपीज लिखी हो ओके okay, ओके okay. तो कर ले इस चीज को मैं वेट कर रहा हूं 10 सेकंड सर्टन एल एल पीज लैंग्वेज मिला स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉर सर्टन एल एल पी डे टू गेट द वर्थ श्योर ओके वेरी गुड नेक्स्ट देखो वाई आर स्पेशल कोच स्टैब्लिश स्टैंडर्ड एल एल पी एक्ट इसमें लोगों को लग रहा था आंसर बड़ा हो रहा है पर सारा नहीं लिखना था आपको देखिए आई जस्ट शो यू वन क्वेश्चन ये देखो इतना सा लिखना था आपको स्पेशल कोर्ट्स के लिए ओनली दिस मच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर एलएलपी एक्ट अंडर एलएलपी एक्ट कौन से ऑफेंसेस अंडर एलएलपी एक्ट आना बहुत जरूरी है ऑफेंस तो तुम लोग भी कर लियो में क्यों आज वो वाले ऑफेंस नहीं फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर एल एल पी एक्ट अंडरस्टेंड वेरी म्यूजिकल क्वेश्चन बाहर देखिए रोड से आवाज आ रहा है जरूर आएगा क्वेश्चन में देखिए शगुन भगवान के पंडाल से खुद देवी आपके लिए गायेगी अभी ये तो देव गा रहा है ये राक्षस फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर एल एल पी एक्ट डिट गैट दर्द्स बोलो हाँ या ना अब देखो इसमें ना स्पेशल कोर्ट से बहुत ज्ञान है स्पेशल कोर्ट में कॉम्पोजिशन क्या होगा नहीं होगा मुझे पर्सनली लगता है ये ज्यादा बल्कि हो जा रहा है एक बार रीड कर लेना आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग आ जाए तो मेरा मेरा कवरेज माना जाएगा मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता बिकॉज ये सारे टॉपिक्स एल एल बी स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन से लेवल ऑफ कोर्ट इसको हैंडल करेगा जैसे लिखा है अगर कोई फ्रॉड वाला केस होता है जैसे आपको पता ना फ्रॉड में इंप्रिजनमेंट इज अप टू फाइव ईयर्स तो फाइव ईयर्स तो बोलते हैं कि तीन साल या उसके ज्यादा वाले इंप्रिजनमेंट केस ये वाले स्पेशल कोर्ट हैंडल करते हैं और बाकी केसेस को ये वाले स्पेशल कोर्ट्स हैंडल करते हैं सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ये एक बार रीड करने का है बस अब इसमें बहुत कुछ और लिखा था पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स क्या क्या रहते हैं यू कैन टेक अ चांस वी हैव डन इट इट वंस बट आई विल नॉट से और इस आंसर में तो लिखने की दरकार थी भी नहीं ना वॉट इज स्मॉल एल एल पी किसी ने आंसर लिखा है स्मॉल एल एल पी अपने लोग पीडीएफ में भी था क्या स्मॉल एल एल पी का डेफिनेशन शुरू में था शायद बुक में भी डलवा दिए थे ना आओ स्मॉल एल एल पी एज एल एल पीज मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इज ट्वेंटी फाइव लैक्स एंड टर्न ओवर एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट अकाउंट एंड सोलवेंसी बना है पिछले साल वाला ये मैक्सिमम फोर्टी लैक्स और इट फुलफिल सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब मिला हा या ना चेक करो पक्का एवरी वन स्मॉल एल को ऑडिट करवाना होगा क्या बुद्धि चेक कर नहीं बिकॉज ऑडिट के फिगर्स इनसे ज्यादा वाले फिगर्स थे स्मॉल एल में ऑडिट की दरकार नहीं आएगी सर अच्छा हुआ इस बहाने मेरा स्मॉल एल याद हो गया हम तो भूल ही गया था स्मॉल एल एल पी है जिसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पच्चीस लाख है एंड टर्न ओवर फोर्टी इज इट ओके नेक्स्ट आइए छोटा छोटा क्वेश्चन सेवन बी प्रोसीड्यूअर ऑफ चेंज ऑफ

वाइंडिंग wow, अप भी है, वो भी कर लेंगे जस्ट सेकेंड हाँ हाँ पता एक सेकेंड मैंने भी बुक एडिट किया है ना हम्म इसमें क्या वो नहीं है है रजिस्टर्ड ऑफिस कई तरीके से चेंज होता है मेरे पेज नंबर्स अलग भी हो सकते हैं आप चेक कर लीजिए मिला क्या ऐसा कुछ हाँ, आपका एट्टी वन है हाँ ठीक है मेरे नई बुक में सेवेंटी थ्री है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस किसी के पेज नंबर और भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक है विद इन द स्टेट और एक है स्टेट के अंदर है बट आर का जुडिक्शन चेंज हो गया मैं समझाऊंगा मतलब और एक है वन स्टेट टू अनादर स्टेट तो एक सिंपल आंसर सुनो अगर मुझे रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है सपोज मैं कोलकाता में हूं और कोलकाता से जा रहा हूं मैं सिलीगुड़ी दोनों ही वेस्ट बंगाल में बट चेंज हो रहा है ना तो तब मुझे यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए मतलब सारे पार्टनर्स की हाँ चाहिए और सपोज इज दिस वन आर ओ सी टू अनादर आर ओ सी ये क्या होता है जैसे तमिलनाडु नाम सुने हो तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में बहुत सारी एल और कंपनीज होती है तुम तो आर भी टू आर है ओके यानी एक ही स्टेट में दो आर है सर हमारा पश्चिम बंगाल एक ही आर है बट तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र भारत के दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां दो दो आर ओसी एक स्टेट में तो एरिया बांटा हुआ है सपोज ये महाराष्ट्र है सपोज ये आर ओ ए है सपोज ये आर तो अगर तुम महाराष्ट्र के अंदर ही चेंज करता है और महाराष्ट्र के अंदर तुम इस आ एरिया से इस एरिया चला जाता है तो आरोसी का अगर तुम लोग यहां मारा पीटी कर लो कोई सपोज रिदम का खून कर दे ये पास में बैठा हुआ ना क्या नाम था बंटी आलोक जो है रिदम को मार दिया तो ये जो बिल्डिंग है ना ये ग्रीश पार्क पुलिस स्टेशन के अंदर आता है कैलकाटा में ग्रीष पार्क में पुलिस स्टेशन है वहां आता है पर अगर रिदम का खून पावभाजी के तवा पर हुआ है सपोज पावभाजी के गरम तवे पर लटा के इसको ये भाजी बना दिया उस फुटपाथ से जोरासा को पुलिस स्टेशन के अंदर आता है ओके तो तुम डिसाइड करो विच जहां तुम्हारा सोर्स हो तुमको थोड़ा तो कंफर्ट मिले वहां मार देना इसको वैसे हमारे ऑफिस में कुछ हुआ था हम लोग केस को पर जान मुझकर हमारा सोर्स जोरा साको में तो हम वहाँ पर केस को ले गए थे कुछ स्टाफ कुछ बदमाशी किए थे तो हम लोग उसको फिर जोरा साको में अंदर करवाए थे बिकॉज हमारा जान पहचान है अदरवाइज मेरा एरिया कौन सा था एक्चुअली में ग्रीष पार्क तो क्योंकि मेरा एक सेंटर वहाँ पर भी है ना पुलिस स्टेशन से दो बिल्डिंग छोड़ के हम लोग स्टैब्लिश करवाए थे इजी रहता कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स को तो इसलिए वहां पर मैं केस को ले गया था वहाँ मेरा जान पहचान था तो आइए तो आरओसी र ओसी चेंज हुआ है पर कौन से के अंदर सेम स्टेट के अंदर तो भी क्या लगेगा यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल दार्टनर्स एंड 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 नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये कब होता है पता है जब हम एक स्टेट से एक स्टेट ले जाते हैं तो दोनों चीज लगता है टू प्लस थ्री दोनों लगता है फाइव नहीं सेकेंड कंप्लायंस एंड द थर्ड कंप्लायंस फर्स्ट पॉइंट तो जनरल ज्ञान था कोई काम का नहीं था अगर मैं एक राज्य से ए और एक राज्य जाता हूं तो मुझे अपने सिक्योर क्रेटर्स का नो no ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा बहुत बड़ी बात है बेचारों का पैसा नहीं थी और यहां से हम अपना पूरा बोरिया पिस्तरा लेकर भाग रहे तो यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस नो ऑब्जेक्शन दोनों चीज का पालन करना पड़ता है अगर एक स्टेट से और एक स्टेट गए सर अगर आप राम मंदिर से पाक स्ट्रीट गया तो यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड एक चौथा पॉइंट और होगा यहां लिखा हुआ नहीं है लिख देना इनफॉर्म आर ओसी अबाउट द चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस इनफॉर्म आर ओ सी अबाउट द चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फुल पेज कर दो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम कभी फिफ्टीन कभी थर्टी देख लेते हैं तो इनफॉर्म आर ओसी अबाउट द चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम जब टाइम याद नहीं आता ना यह सब गेम खेलना चाहिए विद इन प्रिस्क्राइब टाइम कुछ तो लिखेगा दूर से आया थर्टी डेज हो सकता है फिफ्टीन लग रहा हो तो तुम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पूरा पेपर में काम था प्रिस्क्राइब एज पर प्रिस्क्राइब लॉ ये एक दो जगह काम आता है ऐसे गुलाटी मारने में पूरा पेपर में ये कर दोगे प्रिस्क्राइब आंसर व्हाट इज योर व्यू प्रिस्क्राइब आंसर ओके ये एक दो जगह जिनको को हंड्रेड का भूख होता है ना और चाहते मेरे रॉन्ग भी नहीं हो पेपर में लाल निशान नहीं लगे कोई भी रॉन्ग आंसर मार्किंग नहीं हो दे कैन टेक दिस टाइप ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट थर्ड एंपायर फिर उनको दे देगा इनफॉर्म आरओसी अबाउट द चेंज इन रजिस्टर ऑफिस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ठीक है इसके फॉर्म नंबर्स और है मैं वो आपको नहीं बता रहा हूं ना इसकी ड्यूरेशन उतने इंपॉर्टेंट है अब मेरे को पर बताओ चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस तुम इमेजिन कर पा रहे तीन चेंज एक है विद इन द सेम सिटी एक है विद इन द सेम स्टेट बट मालिक दो हर गुंडे का इलाका होता है हर कुकुर का एक इलाका होता है अरे कुकुर बंगाली में बोलते हैं ना पश्चिम बंगाल को पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में कुकुर बोलते हैं ओके आता है क्या संस्कृत टेंथ तक पढ़ ली बाबा हम लोग तो एक साल पढ़ के थक गए थे एक आता पढ़ती पढ़न पता नहीं क्या था कुछ हाँ हाँ एक मिनट थोड़ा सुना संस्कृत श्लोक चलिए हम लोग संस्कृत भी पढ़ाते हैं फ्री में बताओ पठती पठत पठंती आ, तीता अंति सीता था आमी आवा आवा फिर उसी में सब लगा कुछ भी बोल देगा कि हमको क्या पता हमको थोड़ी आता है <laughs> कुछ भी बोल के निकल जाएगा <laughs> पर बोल रहा शायद पहला वाला राइट हाँ सही बोला है क्या ओ हमारे दो दो संस्कृत के पंडित इस बार एडमिशन लिए अब हमको मत बोलना कल से ले आउट लो संस्कृत में पढ़ाइए <laughs> आइए फिर हमको बनाना पड़ेगा कंपनी कंपनती कंपनती जो भी पढ़ पढ़ के कंपन आ जाएगा चलिए नेक्स्ट आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन स्टेट द इन एल एल पी एक्ट लैंग्वेज अलग है अंडर एल एल पी एक्ट वाइंडिंगअप मतलब बंद करना एल एल पी को तो ये मैंने बोला था बहुत ईजी है पढ़ के रखो और फिर आंसर अटेम्प्ट कर दो देखा था क्या हम दिखाता है पॉइंट्स आपको कहां पर है बाबू एकदम एंडिंग फेज में था मैंने बोला था बच्चा हुआ है नहीं और हम गलत जा रहे हैं क्या और आगे इसी में ओह ओ यस NCLT can wind up the company मैच करो आंसर को NCLT बंद कर सकता है सर कौन सी बल्टी अरे NCLT नेशनल कंपनी लॉ Tribunal पूरा लिखोगे चेक कर लो जो लोग घर से पढ़ रहे हैं ये पोर्शन एल के बचे हुए भी थे मैंने बोला दस मिनट का क्लास बचा हुआ अगले थर्सडे क्वेश्चन आंसर के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा can wind कैन वाइंड अप on ऑन द grounds नंबर वन अगर एल खुद जाके बोलता है एनसीएलटी को प्लीज बंद कर दीजिए या छ महीने से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एल इज रिड्यूस्ड बिलो टू कर सकता है एनसीएलटी की हालत सॉरी आई एल एल पी की हालत खराब है अनएबल टू पे पेथ इस लाइन का मतलब जानते हो अनएबल टू पे ड्यू डेट्स आ रहे हैं आज एक तारीख है बहुत सारे क्रेडिटर्स एल एल पी के पहुंचे वो नहीं दे पा रहा है अगले महीने भी एक तारीख को बहुत सारे लोग पहुंच रहे वो नहीं दे पा रहे तो एक क्रेडिटर बोला एनसीएलटी से बंद करवा देंगे आपका कंप्लेन करेंगे तो एन एल पता क्या झाड़ता है बेकार बात मत करो मेरा एसेट्स चार करोड़ का मेरा लाइब्रिटी डेढ़ करोड़ का है हम जब चाहे तुम लोग को एसेट्स बेच करके चुका सकते हैं तो क्रेडिटर झाड़ दिया वही तो मैं बोल रहे हैं हालत खराब है बेचिए आप गोइंग कंसर्न हिलेला तो इसी को अनेबल टू पे डेट्स बोलते हैं अनेबिलिटी टू पे डेट्स मुझे ना एज अ गोइंग कंसर्न देखना पड़ेगा मेरे पास बहुत पैसा है हम अनेबल का है देख लीजिए एसे बैलेंस शीट का मेरा ज्यादा है अब मत देना। तो बैलेंसिटलिटी जुड़ गया होगा तो अनएबल टू पेथ का मतलब है, as when debts are becoming due. क्योंकि सी ए फाइनल में क्वेश्चन आया हुआलॉट ऑफ एसेट दे के वो चार लाइन पढ़ के लोग भावुक हो गए ठीक ही तो बोल रहे जब अगला के पास ऐसे तो वो अनेबल कैसे हुआ वो तो एबल ही है मुझे वो नहीं देखना है मुझे देखना है जैसे जैसे ड्यू हो रहा है वैसे वैसे वो क्या पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो एल एल पी अनएबल टू पेथ पॉइंट समझ में आया एज एंड वेन बिकमिंग ड्यू आई कैन नॉट से हम एक दिन बेच करके तुम्हारा सारा चुका देंगे हमारा अबिलिटी देखो नहीं देखा जाएगा नेक्स्ट एल एल पी बॉम्ब बनाती है दिवाली वाला नहीं बिल्डिंग उड़ाने का कुतुब मीनार उड़ाने का ताजमहल उड़ाने का पार्लियामेंट हाउस उड़ाने का यह एल कुछ ऐसा ऐसा कुछ षडयंत्र कर रही है यहां पर कई आतंकवादी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं बुरा मत मानिएगा ऑल आर गुड अगर आपके यहाँ कोई आतंकवादी है बट अगर वो एल एल पी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में एनसीएल बंद कर सकता है या एलएलपी ने घिनौना काम किया है क्या किया एल एल पांच साल तक कितने साल तक फाइव इयर्स तक फाइल नहीं कर रहा आरओसी के पास द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न दोनों अगर पांच साल तक आप लगातार फाइल नहीं करते तो आपको बंद किया जा सकता है अच्छा इस लाइन का मतलब पता इट हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग पेपर में पता है क्या लिखा ड्यू डेट्स आ जाते थे उसके बाद फाइल कर रहा था डिफॉल्ट माना जाएगा तुम क्या सोचा है पता है सर पांच साल से लगातार फाइल ही नहीं कर रहा है एग्जाम में जानबूझ के बेकूफ बनाएगा चार साल तो फाइल ही नहीं किया पांचवा साल फाइल कर दिया और डेट दे देगा और तुमको लगेगा ए पांच नहीं हुआ चार ही तो हुआ पांचवा भी हो गया बताओ कैसे वो पांचवा बार जो फाइल किया है वो भी डेट के परे है तो आई से इट हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग नॉट फाइल्ड टाइमली अब वापस भोला चेहरा बनाओ सर क्या टाइम के अंदर एनुअल रिटर्न जमा होता है क्या बताओ तीस मई के पहले क्या टाइम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी जमा होता है बताओ थर्टीत अक्टूबर के पहले कोई का बर्थडे है थर्टी अक्टूबर बाय चांस वैसे याद कर लो उसका है नहीं है ठीक है तो नॉट फाइल्ड किसका है ओ oh, है, है किसी ना किसी मोड़ पर चौरस्ता पे जाना एमजी रोड पर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है अब तुम पूछोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि अब बिजली लगेगी साइन बोर्ड लेके खड़ी होगी देखना एक दिन सीए इंस्टीट्यूट के बाहर जब तुम सी बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट देखो ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट एल शुड बी वाउंड अप इसका मतलब क्या होता है एनी अदर उचित ग्राउंड मतलब किसी और भी सही ग्राउंड पे जो ट्राइब्यूनल को लगे जो ऊपर नहीं लिखा है हिंदी टीचर बनो क्या संस्कृत टीचर तुमने देखे हिंदी टीचर बनते हो बनता हूं उपयुक्त पंक्तियों वाले पॉइंट अगर नहीं भी वहां पर हो पर हो सकता है कोई और अन्य उचित ग्राउंड पर भी ट्राइब्यूनल बंद कर सकता है ये जो वर्ड है ना जस्ट एंड इक्विटेबल जो सही लगे सर एग्जाम्पल दीजिए ना आ, कैसे दू दे देता हूं एल एल पी बना था सपोज कोई काम के लिए अब वो काम एल एल पी बनाया था डांडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स ऑर्गेनाइज करेंगे उसी इवेंट के लिए वो काम हो गया। तो अब एल एल पी बंद किया जा सकता है हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एल एल पी बनाया था सारे कलेक्शन दस करोड़ का कलेक्शन था डांडिया के शो में वो इवेंट हो गया अब एल एल पी बंद कर देंगे या आपस में डेडलॉक हो गया है यानी एलएलपी में चार पार्टनर्स है टू टू और आपस में क्या करते हैं इन लोग थू थू मतलब इन लोग का कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ा हो रहा है रिदम और आलोक एक तरफ है विराज और यश

एक लड़का आपका रॉन्ग है वो फोर्थ में में था ये आई कैन चेंज द सीक्वेंस ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास अभी एक मैसेज आया था सीए के ग्रुप में नाम नहीं बताऊंगा चांस कोई का रिलेटिव कलकटा का नहीं है अजीब अजीब वैसे मैस पूरे ग्रुप में लिख रहा है सर कल रात से हम पढ़ नहीं पाए बताइए ना क्या करें हम लोग बी पॉजिटिव मैसेज इज रिफ्लेक्टिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस डर लगता है हमको बाबा झाड़ा देंगे ठीक हो जाएगा अनएबल टू पे इट्स डेथ और एक कौन सा इंटीग्रिटी और एक था कि अगर उसके नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो टू चलेगा वेरी गुड इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स। अब फिर बैठ गया कितना निकला मेरा अभी तक चार सर कुछ आप ऐसे ऐसे बहुत दिखा रहे थे क्लास में पांच साल तक अगर हम अपना एनुअल रिटर्न या और है ना हाँ और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोलवेंसी फाइल ना करें और छठवा ग्राउंड से वो हिंदी के आप लेखक बन गए थे किसी भी अन्य उचित ग्राउंड एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज तो कई बार क्या होता है आफ्टर रीडिंग अपने आप को पॉज दो पर नहीं तुम लोग देगा ही नहीं एक तो पहले पढ़ा नहीं अब लास्ट का एक महीना मन में बहरा कि बंद कर लेता है खाना भी हमको गेट के नीचे से दो हम आएगा ही नहीं बाहर में ऑलवेज हाँ बायचानस आपके रूम में कोई जगह हो जहां से ऊपर वेंटिलेटर से कई लोग खाना लेते हैं डोंट डू दैट थिंग आफ्टर एवरी थर्टी फाइव मिनट्स मेरा ये मानना है हर पैंतालीस थर्टी फाइव जल्दी हो गया चलो हर फोर्टी फाइव मिनट के बाद जो तुम्हारा राइटिंग डेस्क और चेयर होता है ना वहां से उठो घर का हॉल रूम नीचे बालकनी जो भी जैसा बड़ा घर छोटा घर जैसा भी हो थोड़ा सा घूमो और उस घूमने के दौरान इधर उधर का मत सोचो सोचो कि अभी हम क्या पढ़ा था कई बार होता होगा आज ही ट्राई करना पूरा ब्लैंक हम पैंतालीस मिनट किया कि हमको याद नहीं आ रहा है होता है ना नॉर्मल है तब तुम तो अब तुम इस पैंतालीस मिनट में जो पढ़ा है उसको पैंतालीस सेकंड में याद करो कर लिया

बीच बीच में क्रॉस एग्जामिन करो व्हाट आर डूइंग नहीं सर आज तो रूम से निकलेंगे चैप्टर कंप्लीट होगा तो ही निकलेंगे वरना मेरा अर्थ ही निकलेगा <laughs> ये सब फालतू जज्बाती ज्यादा ओवर जज्बातीम्बिशियस बात मत किया करो यू आर ए ह्यूमन बींग एंजॉय एंड जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना पढ़ाई के समय सिर्फ बैठे रहते हैं उनका चार पांच मार्क्स सिली मिस्टेक होगा बिकॉज आपका माइंड स्टेबल नहीं है सर टाइम नहीं है सिलेबस नहीं और एक्सरसाइज मतलब एनी फ्री हैंड एक्सरसाइज घर में हॉल में हाथ घुमा लो ऊपर सनरेज लेके आ जाओ टेरेस पर जाके सुनने में बहुत आध्यात्मिक लग रहा होगा बट जो एकदम टॉपर टाइप के लोग होते हैं ना एकदम जो आगे भी लाइफ में आगे जाते हैं वो उनको वो देखो फिट फाट होना चाहिए अब ठीक है कोई बचपन से थोड़ा गोलू मोलू होता है आई एम नॉट से एकदम रिड्यूस कर लो वो दैट्स नॉट पॉसिबल हो जेनेटिकली आप मोटे हैं बट हेल्दी मतलब थोड़ा घूमो दिन भर बैठने बैठ के पढ़ने से भी नहीं होगा कई लोग ज्यादा होशियार करते हैं अब नेक्स्ट एक महीना मोबाइल का व्हाट्सएप बंद करेगा हमारा इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस हो जाएगा वहीं से पेपर आ जाएगा आप अपने ग्रुप्स को म्यूट कर दीजिए जिसमें आपको नहीं जाने आपके फ्रेंड्स के गंदे गंदे ग्रुप्स होते होंगे ना पर्सनल चिटचैट चिपस्टरगिरी अलग नाम जो आपने दिया होगा उसको म्यूट कर दीजिए एंड दो तीन अच्छे ग्रुप्स लाइक आवर ग्रुप दैट यू कैन कंटिन्यू हम अब यूट्यूब सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं जाएगा जाओ यूट्यूब पर हम कुछ अच्छा वीडियो डाला होगा मिस हो जाएगा पूरा आप अलूफ होकर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते यू हैव टू ब्लेंड एवरीथिंग विद इन यू ओके चलिए लंबा सांस आज वाइंडिंग अप भी याद करा दिया अपजिस्टर ऑफिस के तीन विंग्स थे एक शहर से एक शहर और एक क्या था हर कुत्ते का इसका मतलब क्या होता है एक ही स्टेट में दो आर ओ सीज कौन से दो राज्य में तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र वेरी गुड बैच कम जस्ट अ बस दो क्वेश्चन और बचे आज जल्दी छोड़ दूंगा हाउ कैन अ पार्टनर सीज़ टू बी अ पार्टनर ऑफ एल एल पी एंड वट आर दर राइट आफ्टर एंड ऑर एक्सप्लेन द प्रोसीड्यल एल पी इन तो आइए पहले सीजिंग टू बी अ पार्टनर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कहां पर है सीजिंग वाला हम्म आ जाओ आ जाओ बच्चों स्टार्ट रीडिंग चलो स्टार्ट रीडिंग याद हो गया वाइंडिंग अब भी और एक कौन सा था चेंज आओ इसको पढ़ना शुरू करो यहीं पर एक मिनट मैं पानी पी रहा हूं आप जल्दी से रीड कर लीजिए मैं आपको एक दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं आपको पता होगा उसमें भी सेम टेक्निक मैं अप्लाई करूंगा अभी थोड़े दिन में उसका एमसीक्यू रिविजन और देने वाला हूं ये सोच के मिस मत करना पढ़ावा नहीं हम रिविजन क्या करेगा हम पूछ रहे आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं ना मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कई लोग पता होशियारी में नहीं आता है अरे टेस्ट लिखा ही नहीं हम जाके क्या करेगा हम तो हेल्प ही किया ना मेरे संग याद करने में तो अपना होशियारी क्यों लगा रहा है कई लोग अभी तो हम लॉ पढ़ा ही नहीं हम रिवीजन क्या करेगा तुम पढ़ ले वरना मेरे स्टाइल के बिना तुम पढ़ भी नहीं पाएगा लास्ट मोमेंट तक सो डोंट मिस सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो जो आपको एक मैम पढ़ाती है उसका भी एक मैराथन पब्लिश होने वाला है देख लो होशियारी नहीं तुम्हारा इंग्लिश ऑफकोर्स अच्छा होगा मान लिया बहुत अच्छा है बट स्टिल दैट स्ट्रैटेजी शुड बी सीन दो सीन अदरवाइज अपने आप नहीं कर पाओगे ओके कम सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट बोलता है अगर एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है रिजाइन वर्ड सुना आपने रिजाइन तो रिजाइन अगर वो करना चाहता है तो अग्रीमेंट में लिखा रहता है लिख देना अकॉर्डिंग टू आप कोई कर सकता है अग्रीमेंट में क्लॉज होता है लिखते रहो. और अगर agreement silent है, तो एक सिंपल चीज वो कर सकता है दिन पहले कि मैं जा रहा ये हो गया. देखो है तुम्हारे तो बुक में भी ये रिजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट और और एटलीस्ट थर्टी डेज रिटर्न नोटिस बिफोर रेजिग्नेशन और कैसे कैसे आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है ये था वन ठीक है चलो डेथ ऑफ़ द पार्टनर पार्टनर मर गया तो उसकी पार्टनरशिप खत्म डिसोल्यूशन ऑफ एल एल पी एल एल पी डिजोल्व हो गया वाइंडिंग आपके बाद चौथा पार्टनर अनसाउंड माइंड का कोर्ट के द्वारा घोषित हुआ पांचवा ही हैज अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट और ही या पांच पॉइंट्स है तुम्हारे आंसर्स में चेक करो हाउ अ पार्टनरशिप पार्टनर कैन सीज फ्रॉम एल एल पी अकॉर्डिंग टू दग्रीमेंट ही कैन रिजाइन इजी लैंग्वेज चेक करो और रिटर्न नोटिस एटलीस्ट थर्टी डेज इन एडवांस

तो हम फिर भी पार्टनर माना जाएगा और एक ये इस पॉइंट का मतलब क्या है एलएलपी को आरओसी से एक नोटिस जाना चाहिए था या उस पार्टनर को मतलब आरओसी मस्ट बी इंफॉर्म्ड दैट द पार्टनर सीज मतलब आरओसी के रिकॉर्ड्स में आ जाना चाहिए था कि पार्टनर सीज हुआ है वरना क्या होगा वो कंटिन्यू माना जाएगा अब एक लॉजिक बताओ जब वो पार्टनर था सीजेशन के पहले क्या उसकी लाइबिलिटी रहेगी पास लाइबिलिटीज के लिए यस yes, तो उसके लिए एक लाइन आपको लिखना चाहिए था लाइबल फॉर पास्ट लाइबिलिटीज मतलब कि जाने के पहले सीज़ेशन के पहले, ये उसका ऑब्लिगेशन हो गया अब उसका राइट्स क्या हुआ देखो ही विल रिसीव फ्रॉम एलएलपी हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस वॉस एडजस्ट करके पार्टनर सीजेशन के बाद वो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मांग सकता बट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज शेयर ऑफ प्रॉफिट बहुत ध्यान से आंसर इसका बना लेना आज ही इस आंसर को पॉलिश कर लेना मैं फुल पेज रख रहा कोशिश कर रहा हूं एक बार देखो आई वेल मेक इट अ फुल पेज एवरी वन अक्षत गर्ग एंड एवरी वन एल्स चेक कर लीजिए मैं फुल स्क्रीन छोड़ा हूं तुम लोग भी आंसर याद कर लो उसकी लाइबिलिटी पास लाइबिलिटीज के लिए है इजी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो राइट टू रिसीव फ्रॉम एल एल पीज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ही हैज टू बी अ पार्टनर और रेजिग्नेशन के बाद आप मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो कैसे कैसे सीजेशन के पांच तरीके देखे रेजिग्नेशन डेथ एल का डिसोल्यूशन अनसाउंड माइंड इंसॉल्वेंसी वन टू थ्री फोर फाइव वापस चेक कर लो जो लोग ऊंचा सुनते हैं पांचों पॉइंट्स तुम्हारे आंसर्स में आ रहे आ रहे रहे हैं हैं या नहीं चेक कर लीजिए। well? एक गायब हो गया? अब ये देखो, जबी भी कोई चेंज होता है कैसे कैसे इन्फॉर्म करना होता है पंद्रह दिन के अंदर एल तो दोनों पी सिंपल है वेरी गुड अच्छा एक और अमेंडमेंट से क्वेश्चन मैंने डाला नहीं अपने शीट में एक और क्वेश्चन वेरिएंट क्वेश्चन मैंने देखा आ सकता था अगर ये आपको पता है, हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी फाइल होता है थे ना हम लोग तो यहां पर है कि अगर हम लोग ये जमा वमा नहीं देते तो क्या वो पेनल्टी का फिगर्स और फाइन वाइन है ना कुछ चेंज हुआ है देखो हम लोग कर लिए थे ना एडिटिंग बुक में चेक कर लो पेपर में आ सकता है कभी गंदा पेपर अगर देना चाहे इफ दे वॉन्ट टू गिव यू अ बैड पेपर कि हर साल जो हम लोग को आरओसी को जमा देना पड़ता है ना स्टेटमेंट ऑफ एंड अकाउंटेंसी अगर हम नहीं जमा देते हैं तो क्या क्या परिणाम होगा डिड वी रेक्टिफाई फ्रॉम आर टीपी एंड माई बुक्स ये तो नया बुक मैं कल बनाया हूं उसका अंश दिखा रहा हूं जहां मैंने बुक के अंदर ही चेंज कर दिया था चलिए द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे राइट्स आ गया ना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा अच्छा मेरे इस आंसर में ये सब नहीं लिखना था कि सीजेशन के कितना दिन बाद किसको खबर देना ये नहीं था वेरिएंट क्वेश्चन अगर कभी इंस्टीट्यूट बनाए तो उसमें वो एक्स्ट्रा पॉइंट आ सकता था क्वेश्चन नंबर ऑफ एलएलपी ये इंस्टीट्यूट की बुक में रॉन्ग आंसर दिया हुआ आई विल नॉट फॉलो दैट बिकॉज आई एम अ सी और जिसके भी घर में सीए वो भी जानते हैं सही आंसर ये राइट right आंसर है मैं वेट कर रहा हूं स्टार्ट रीडिंग ऑल ऑफ यू पढ़ना शुरू करिए राइट आंसर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का यहां तक स्टार्ट ऑब्जर्विंग कौन से फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए जमा होता है मेनली फिलिप फॉर्म और यहां पे नाम जो है यहां स्पाइस प्लस मत लिख देना स्पाइस प्लस कंपनी के लिए यहां नाम आप फिलिप फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो या रन एल सर्विस एमसीए की पोर्टल पर है वहां के थ्रू भी जा सकते हो और थोड़ा सा डीपी का नॉलेज भी आप शो ऑफ कर दोगे टू इंडिविजुअल्स वन मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया वन हंड्रेड ट्वेंटी डेज और सीआरसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा चेक करो जिसके आंसर्स पुराने जमाने वाले हैं चेक करिए ओके एवरी वन सर हम अच्छा हुआ बता दी हम तो स्पाइस प्लस लिख के आ जाता अपने एग्जाम में मत लिखना अच्छा हुआ सब रन एल सर्विस में तो दो नाम प्रपोज किया जा सकता है एंड एक चीज नाम अगर अप्रूवल हो जाए तो फिलिप फॉर्म को फाइल करने का टाइम एक इंपॉर्टेंट विद इन सिक्सटी डेज फिलिप फॉर्म एमसी पोर्टल पर आपको फाइल करना है लेआउट कर देना फुल पेज करके आया था इज इट ओके सो दिस इज अ वेरी गुड क्लास ऑफ एल एक चीज और बता दू क्या क्या बोल रहा है क्या लिखवाया था हां हां स्टेप फाइव क्या बताया बताओ एल एल पी अग्रीमेंट मस्ट बी फाइल विद आर ओ सी इन विद इन थर्टी डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर थ्री फॉर्म नंबर क्या है थ्री लिखवाया था ना विद आर ओ सी विद इन थर्टी डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर थ्री था ना यानी एल एग्रीमेंट आप बाद में भी एग्जीक्यूट करके जमा दे सकते हैं ये एक स्टेप फाइव भी मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया था वेरी कॉम्पोजिट आंसर सो दिस विल रियली हेल्प यू टू रिवाइज एल एल पी एक सेकेंड और कहीं एनुअल रिटर्न आया था एनुअल रिटर्न अच्छा लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ये क्वेश्चन भी आ सकता था वॉट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एल एल पी फॉर अदर पार्टनर हम लोग आज पढ़े थे लाइब्रिटी ऑफ एल तो वो क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन ट्वेंटी में आपसे किया हुआ है वो जल्दी से लाइबल नहीं होते हैं दूसरे पार्टनर्स के अनऑथोराइज एक्स के लिए क्योंकि यहां म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट जो किया है उसी का लाइब्रिटी होगा Now, ये विस्ल ब्लोइंग क्या होता है मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो विसल ब्लोइंग का मतलब है अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो सीटी बजाकर सबका ध्यान वहां ले जाना एक मीनिंग है ब्लोइंग का मतलब तुम सीटी बजाना समझता है सिटी क्यों बजाता है पुलिस पुराने जमाने में याद है पुलिस सिटी क्यों बजाता था चोर भागता था पुलिस वाले मोटे होते थे वो दौड़ नहीं पाते थे तो सिटी बजाते थे ताकि सामने जो आदमी है वो चोर को पकड़ ले तो वैसे विसल ब्लोइंग कंपनीज में और एल में क्यों होता है अगर कोई मैल प्रैक्टिस या गलत प्रैक्टिस चल रहा है तो सीनियर्स को जाकर कंप्लेन किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड इज विसल ब्लोइंग तो ये छोड़ दीजिए दरकार नहीं है सेकेंड हा एनुअल रिटर्न में का नया जुड़ा था कुछ कि एनुअल रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते हो तो एक पेनल्टी लगेगा आपसे एल और डिस पर मैंने करवाया था ना शायद चेक करो तो क्या पेनल्टी लगे फाइन वर्ड यूज नहीं हो रहा है सिर्फ फ्रॉड वाले में फाइन वर्ड यूज हुआ था बाकी सारे जगह वर्ड पेनल्टी है मैंने आपको बताया था पेनल्टी छोटे मोटे गुनाओं के लिए होता है एंड फाइन वर्ड होता है जब कोई क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस होता है फ्रॉड इज अ क्रिमिनल थिंग तो वहां पे फाइन शब्द यूज होता है रिमेंबर दिस इज इट ओके चलो वेरी गुड जस्ट अ सेकेंड एक बेबी पेपर आ जाए हम लोग सब इतना अच्छा पढ़ के जा रहे और पता है मार्क्स का इजी पेपर आ जाए बुक में आओ सेलियंट फीचर्स ऑफ एल एल पी फाइव मार्क्स आया हुआ एग्जाम में तो ये जो हम लोग इतना पढ़े हैं उसी के बारे में लिखा हुआ है पढ़ के देखो जो हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं सारा को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है एक बार अभी का भी पढ़ो अगर एग्जाम में आ जाए जैसे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है, है पर म्यूचुअल एजेंसी कॉमन सील हेडिंग दी है बट कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी फॉर एल जैसे कंपनी में भी कॉमन सील इज ऑप्शनल लाइबिलिटी लिमिटेड नॉर्मली होता है ये सारा जो इतना पॉइंट्स है ना उन सोलह का सोलह पॉइंट्स ये फीचर्स ऑफ एलएलपी में है इसमें एक पॉइंट जो है ये वाला इधर आओ पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट सबको आता था और बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही पता है दो पॉइंट और आ जाता है सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन टेक्निक सिखा रहा है वरना तुम घर में टेंशन में आएगा हम सोलह पॉइंट्स कैसे पढ़े बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही तुमको परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ म्यूअल एजेंसियाँ नहीं है कॉमन सील ऑप्शनल है और एल एल पी आर्टिफिशियल बॉडी है नहीं लिखने से भी चलेगा लिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है एल एल पी में द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देर अग्रीट कॉन्ट्रीब्यूशन

सेक्शन एट कंपनी याद है आपको यहां पे वैसा नहीं फॉर्म हो सकता कुछ पढ़ो ये आपको दरकार नहीं है तेरा हटाओ फोर्टीन हटाओ जनरल रीडिंग है ये सब। ये सब सब कई बार एक प्राइवेट कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है पहले फॉर्म था बाद में एलएलपी में कन्वर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स एमसीए के पोर्टल पे फाइल होते हैं हम लोग पढ़ी रहे हैं दो दिन से नाउ इन्वेस्टिगेशन समझते हो आप छानबीन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करवा सकता है अगर कुछ खबर मिले एल में गलत हो रहा है तो ये सी एम ए इंटर लिख के रखो सीएमए इंटर थ्री मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कई बार यहां नहीं आएगा आपके सीए वालों के लिए नहीं आएगा सीएमए इंटर में ये थ्री मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो उनके से हम लोग करते हैं सीएमए मैट लिखो हाउ इन वेन इज इन्वेस्टिगेशन डाने की बोरिंग क्वेश्चन है सीएमए इंटर में आ सकता है ये इंस्टीट्यूट मैट से करोगे सीएमए वाले लोग फॉरन एल एल पीज भी इंडिया में पार्टनर बन सकते हैं बताओ क्यों बिकॉज फॉरन एल एल पी ऑल्सो अ बॉडी कॉरपोरेट और हम लोग पढ़े बॉडी कॉरपोरेट कैन बी अ पार्टनर अगर सारे बॉडी कॉरपोरेट पार्टनर हो एल एल पी के तो डीपी कौन होगा वो इंडिविजुअल्स को नॉमिनी के रूप में अपॉइंट तो ये मेरे करवाने से आपको बेटर समझ में आ गया इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट उतना खास नहीं है ये वन मार्क के लिए आ सकता है कि आप सेक्शन एट कंपनी की तरह एलएलपी बनाना चाहते हैं अलाउड नहीं होगा नहीं 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 बन सकता मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर सेक्शन एट कंपनी एल का पार्टनर बन सकता है बिकॉज़ बॉडी कॉर्पोरेट, उससे कोई फर्क नहीं है। तो उससे कोई बात मतलब नहीं वो तो अपने पास रखेगा सेक्शन एट कंपनी कैन बिकम अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनाएंगे उसका पार्टनर भले ही सेक्शन एट कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता रीजन एल सेक्शन एट कंपनी पहले दिन ही पढ़ लिए थे ऑल बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम ऑफ एल एल पी सो दिस इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक ऑल क्वेश्चन आस्ट इन एग्जाम सोल्व और न्यू वेरियंट क्या आ सकते हैं वो भी हो गया अमेंडमेंट्स पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी हो गया सर तो हमको ये बताइए जो तीन तारीख को क्लास है उसके लिए मुझे कैसे पढ़ के आना है मैं एजेंडा दे दूंगा आपको कल तक कि तीन तारीख को मैं क्या टॉपिक्स करूंगा मैं चार को क्या करूंगा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा मतलब वो जो चार्ट बुक है उसके लिए एक बेस हम लोग बनाएंगे दैट बेस विल बी द कंपनी लॉ बुक मनी रिसिट कैसे लाएंगे इन लोग जो लोग ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं उसमें प्रॉब्लम है दो प्रिंट भी आ जा सकता है बताऊंगा तो एक कंपनी लॉ बुक है तुम लोग का एक बार दिखाओ समझाता हूँ तो ये कंपनी लॉ जो बुक है ना इसको फिल करके आना नेम कोर्स बैच टर्म मतलब होता है सपोज़ 2025 में आप नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो नवंबर 2025 लिखोगे ओके एंड मनी रिसीट नंबर भी लिख के आना ये पेज अगर आपका कोई भाई बहन फाड़ लिया है तो आपको चार्ट बुक नहीं मिलेगा कुछ एक बराबर स्टैम्प ने डिज़ाइन करेंगे हम उस बुक को नहीं बनाया बेस क्योंकि वो सी वालों के पास भी है अंडरस्टूड oh, रीज़न तो ये वाला बुक एंड एक मिनट मैं कुछ अपने इंटरनल टीम से बात मैं रिपीट कर रहा हूं ये बुक कैसे कलेक्ट होगा सुन लीजिए सर मैं कलकत्ता के बाहर हूं आपको फिजिकल बुक नहीं मिलेगा मैं अपनी सॉफ्ट कॉपी आपको कुछ दिन बाद थोड़ा उसको गंदा करके ताकि कोई उसको एडिट करके मेरा अब मेरा नाम हटा के खुद बुक नहीं टाइप कर ले दूंगा कुछ करूंगा कुछ अलग तरीके से सो नो सॉफ्ट कॉपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वैसे और दिस बुक तुम लोग लेके आओगे वो कलेक्ट करने के लिए मेरे पास परसों तक आ जाना चाहिए वो फिजिकल बुक तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना यू विल जस्ट ब्रिंग दिस बुक ये फिल फिल होना चाहिए ये बिना फिल के मत लाइएगा एंड ऑल्सो पेस्ट अ फोटो तुमने जो सेल्फीज खींचे होंगे भी तीस त्योहारों में बहुत चेहरा बना बना के वो यहां एक प्रिंट करके एक फोटो भी चाहिए फोटो में बिना मत देना एक पैरामीटर बना दो पता चलेगा राहुल ले रहा है पर फोटो सीता का है तो पकड़ा जाएगा राहुल और सीता दोनों करप्टेड है तो फोटो चिपका के लाइएगा टू कलेक्ट दिस बुक प्लीज टेल योर फ्रेंड आज ही लगा लेना घर जाके फोटो एंड इसको कल परसों से हर दिन कैरी करना अगर लॉ क्लास नहीं है तो भी सपोज आप अकाउंट्स एंड मैथ्स क्लास के लिए वहां आए हुए हो तो अचानक मैसेज जाएगा यू कैन कलेक्ट दिस बुक कैरी दिस एवरी डे वेन एवर यू कम टू अकाउंट मैथ्स क्लास वी विल सेंड यू द मैसेज फोटो लगा हुआ होना चाहिए आज शाम को लगा लीजिएगा और बाकी जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जो घर से कैलकटा में क्लास करते हैं वो आपको यहाँ पर आके उस दिन जब कलेक्ट करोगे तो ये फोटो लेके आना मिल जाएगा बुक बाय एंड जो बाहर के फ्रेंड्स हैं कैन यू प्लीज सेंड मी द इमेज ऑफ दंबर्स ऑफ सेंजेवियर्स एंड गोइंका कॉलेज में अगर कोई है ताकि हम लोग बल्क मैसेज उनको टाइप करा के भेज सके यू कैन ऑल्सो सर्कुलेट द मैसेज इन योर फ्रेंड्स ग्रुप की जो भी सीए कर रहा हो कोई पेनड्राइव फ्रेंड था ना तुम्हारा जो घर से करता था सॉल्ट लेक से उसको ये बोलो एक दिन आओ सेंटर पे बैठो यहाँ के सो दे क्लास दे शुड कलेक्ट द बुक्स तरीका बता दिया कंपनी लॉ बुक का फर्स्ट पेज विथ फोटो इज द पैरामीटर डिटेल्स मस्ट बी फिल्ड इट बा